हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। कुछ टेक्निकल इश्यूज और रीजंस की वजह से वीडियोस कंटिन्यू होने में थोड़ा सा डिले हो गया था बच्चों, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से हमने एक बार ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज जो है वो दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर ली है, तो अब हम लोग फिर से दोबारा से हमारी जो बुलेट ट्रेन है फिजिक्स की उसको पकड़ेंगे और हमारे सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो लास्ट के लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने फाइंड आउट कर दिया था, हम एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ की बात कर रहे थे, बिल्कुल जी। और एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ में जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी वो थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे वो फाइनाइट लेंथ का हो बच्चों, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो, उन दोनों की ही वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमने डिटरमाइन की। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप, मैं आशा करता हूं। अब इसी सीक्वेंस में हम जो है वो आज देखने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पर मैं हेडिंग लगा रहा हूं एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर करंट कैरिंग कॉइल। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। देख लीजिए आप सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, चलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का मतलब क्या है, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं एट सेंटर पॉइंट। कहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल? एट दी सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर। जैसे कि देखिए, ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल के अंदर कुछ आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन कर लेंगे बाय द राइट हैंड थंब रूल। इस कॉइल की, सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है, सपोज कर लो बच्चों, वो रेडियस है ए, और ये आपका क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पर आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब सेंटर पॉइंट आपका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। किसके थ्रू करनी है? बाय द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ। तो बाय सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हम सब जानते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है गुड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एक छोटे से स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? छोटे से स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। यहां पर करंट कैरिंग एलिमेंट मुझे यहां पर कॉइल पर अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं जो करंट कैरिंग एलिमेंट अज्यूम कर रहा हूं यहां पर, कहीं भी कर सकते हैं, मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया है डीएल। ये एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया बच्चों मैंने यहां पर डीएल। तो अगर ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल मैंने ले लिया है, तो डीएल एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में यहां पर एंगल कितना होगा? क्या ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री? और यही एंगल जो है वो क्या होता है हमारा? थीटा होता है। तो सबसे पहले बात, यहां पर थीटा जो है वो कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा डीएल, करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये एक तरह से टी बना रहा है, टी शेप में, क्लियर है? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया तो डीबी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, क्योंकि डीएल एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आर नहीं है, हमने ए मान रखी है, जो कि कॉइल की रेडियस के इक्वल है। नाउ ये मेरे पास में स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल,
पूरी कंप्लीट होल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, सिंपल जानते हैं हम। तो यहाँ पर डीवी का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, डीवी की वैल्यू पुट करता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाय ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो डीएल के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सारी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट टर्म को आप बाहर ले लीजिए, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, क्या ये बन जाएगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। और डीएल जो है यहाँ पर डीएल की लिमिट क्या है बेटा, आपको यहाँ से डीएल इंक्रीज करना है तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए, क्या ये जाएगी क्या, अगर आप पूरी कॉइल कवर करते हैं तो आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से लेकर के पूरी कॉइल की सर्कमफेरेंस के बराबर, लेंथ जो होगी इस पूरे कॉइल को किसके इक्वल होगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, जो कि कितनी होगी 2 पाई ए। इज इट क्लियर टू ऑल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, क्लियर है। तो आपके पास में बी की वैल्यू बन जाएगी बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन एल लिमिट अभी भी हमें पुट करनी है 0 टू 2 पाई ए, क्लियर है। क्या मैं यहाँ साइड में लिख दूं क्या, आई होप नहीं, चलो साइड में नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा बेटा, ये इसको नोट करें, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ साइज, क्लियर। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे देखिए, बी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए माइनस 0, क्या ये बनेगा क्या, एल पर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। तो ये बच गया आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, सिंपल। तो यहां से a कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 2 से 4 कैंसल, क्या बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। दिस वुड बी योर रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 रिलेशन आया ना, ये रिलेशन किसके लिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, क्लियर है। देख लीजिए एक बार और जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका रिलेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, नोट कीजिए प्लीज। ओके चलिए, समझ में आएगी बात यहाँ तक। इसमें भी एक छोटा सा स्पेशल केस लेते हैं हम, ठीक है, इसको मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, एक छोटा सा स्पेशल केस लेते हैं, देखिए क्या है। स्पेशल केस इफ कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में क्या हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, एन नंबर ऑफ टर्न्स होने का मतलब क्या, कॉइल को एन टाइम्स क्या किया गया हो, सर्कुलरली रैप किया गया, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, किस तरह से स्प्रिंग तरह, स्प्रिंग तरह से एक बार दो बार तीन बार चार बार एन टाइम्स अगर रैप कर दिया जाए तो फिर जो आपका सेंटर पॉइंट है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2a, क्या हो जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2a, क्यों, क्योंकि हमने ऑर्शल एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो करंट के मैग्नीट्यूड पर निर्धारित करता है, और यहाँ पर n टाइम्स रैप करने की वजह से जो आपकी सर्कुलर करंट है i वो भी n टाइम्स बढ़ जाएगी, एक कॉइल में i टाइम करंट फ्लो होगी, दूसरे कॉइल में 2 टाइम्स, थर्ड टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, उस तरह से n टाइम्स क्या हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर i की जगह जो है वो हम क्या पुट कर देंगे, n i पुट कर देंगे, और हमारा रिलेशन जो है वो ये हो जाएगा, सिंपल आपको n से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड जो है वो हो जाएगी, क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ बायस सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और एक जल्दी से फटाफट से एक एप्लीकेशन और देखते हैं, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी देखेंगे। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर आर्क, ठीक है ना,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क में क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, और इस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है जैसे कि ये, ये इसका जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, और ये जो है यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है फाइव। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस है आप दोबारा से मान लो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, इस बार पूरा सर्कल नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक कंपास पुट किया और यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करके क्या बना दी गई, एक सर्कुलर आर्क बना दी गई, और उस आर्क की वजह से ए डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर सेंटर पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करें, इसको करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। किस तरह से, देखिए एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एंगल फाइव और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी, एक तरफ एंगल फाइव दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी। देखिए इस सर्कुलर आर्क को अगर मैं आगे बढ़ा दूं हाइपोथेटिकली, तो क्या ये पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग पॉइंट बन सकता है? इसको अगर हम इस तरह से आगे बढ़ाए तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बनेगी, ठीक है ना, जो कि कितना एंगल सबटेंड करेगी बेटा, 2π। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 2π होगा ना। तो जब, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट पी पर एंगल 2π रेडियस सबटेंड हो रहा हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सेकंड एप्लीकेशन में देख रहे हैं हम, जब एंगल क्या बन रहा है, 2a एंड 2π पर, 2π एंगल कब बनेगा, जब पूरी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगी, तो उस केस में पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हमें पता है कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बहुत अच्छी बात, अगर यूनिट एंगल बन जाएगा तो उस यूनिट एंगल की वजह से सर्कुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक, आपके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 4πa। इफ यूनिट एंगल बन जाने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, क्लियर है ना। देयरफॉर अगर कोई फाई एंगल सबटेंड हो रहा हो सेंटर पॉइंट पर, क्या हो रहा हो, कोई फाई एंगल सबटेंड हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इनटू फाई, सिंपल खत्म, दैट्स इट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इसको हटा दीजिए यहां पर, तो ये कितना रह गया, ये कुछ फाई एंगल रह गया, तो इस फाई एंगल की वजह से, आर्क के फाई एंगल की वजह से उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इनटू फाई। आप इस एंगल को यहां रेडियन की वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगी। इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। क्लियर है, बात समझ आई? देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से, इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, छोटा सा एग्जांपल है, छोटी सी एप्लीकेशन है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस तरह का एक डायग्राम है, इस तरह का एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट आई जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है। आपको इस पॉइंट पी पर क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी फाइंड करके मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना और साथ ही साथ डायरेक्शन भी फाइंड करना। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बहुत इजी है। क्या करें, इस कंडक्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस कंडक्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कैसे, क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहां से हटा रहा हूं इसकी जो लैंग्वेज है इसको। चलिए अब ये जो वायर है इसका इस तरफ का एंड नहीं दे रखा है ना, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ से क्या है, इंफिनिटी, और इस वायर का इस तरफ का एंड नहीं दे रखा है, तो इसको भी मान लीजिए क्या, इंफिनिटी। क्लियर है? नाउ
अब इसको मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं ए बी सी डी ई। कंडक्टर वायर जो है मेरा वो क्या हो गया बेटा, ए बी सी डी ई मेरा कंडक्टर वायर हो गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इन पार्ट्स में ही मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा और सबका क्या करूंगा वेक्टर सम। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सेगमेंट ए बी, ए बी सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। ए बी सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पर क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब ये कुछ इस तरह से है, ये आपका इनफाइनाइट वायर है ए बी और पॉइंट पी जो है मेरा यहां पर है। तो ये पॉइंट पी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया इस केस में, ये कैसे हो गया बेटा, पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर हो गया ना, मतलब करंट ऐसे जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए ना वो इसके अगेंस्ट ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, मतलब इसके पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? उसका रीजन और भी है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लेता हूं, तो डीएल और इस पॉइंट पी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो यहां पर थीटा एंगल कितना बना रही है, जीरो डिग्री बना रही है। कितना एंगल बना रही है, जीरो डिग्री बना रही है। समझने की कोशिश करें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन होता ना बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो पहले जब एलिमेंट के इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहां साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां साइन की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी मुझे जीरो डिग्री। क्लियर है ना? सॉरी तो यहाँ साइन की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर आपके पास डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर डीबी की वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो इस पहले ए बी सेगमेंट की वजह से पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर होता यहाँ या यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होती, बट क्योंकि ये पॉइंट पैरेलल टू द वायर आ गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर ना? तो ये B1 की वैल्यू जो है मैंने मान ली यहाँ पर क्या होगी बेटा, जीरो होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना? B1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। रीजन आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ B1 क्या आ गया, जीरो आ गया। चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई, डीई सेगमेंट के साथ भी यही सेम केस हो रहा है। डीई के पैरेलल है आपका पॉइंट पी, तो यहां पर भी बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जीरो। इस वाले सेगमेंट की वजह से भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट अगेन इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल आ चुका है। तो अब आपके थर्ड केस में, थर्ड केस बच गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी। अब सिर्फ ये सेगमेंट बच गया बेटा बी सी डी, बी सी डी कौन सा, ये वाला बी सी एंड डी। करंट डिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा। तो अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर देता हूं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, क्या पाई एंगल बन रहा है क्या? तो क्या ये एक सर्कुलर करंट आर्क हो गई जो इस पॉइंट पी पर पाई एंगल बना रही है? ये क्या हो गई, सर्कुलर करंट आर्क हो गई जो इस पॉइंट पी पर क्या बना रही है, पाई एंगल बना रही है। और पाई एंगल बना रही है तो कुछ पाई एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इस वैल्यू इसको हम ए ले लेते हैं। चलो वैल्यू दे रखी होगी आपको, डोंट वरी, ए इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए। बी थ्री की वैल्यू यहां पर होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए। और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां होगी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आया बेटा, B1 और B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और B3 की मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी बी वैक्टर इज इक्वल टू B1 वैक्टर प्लस B2 वैक्टर प्लस B3 वैक्टर। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ से ही ऐड करेंगे, लेकिन B1 और B2 का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, बी वैक्टर आपका ओनली B3 वैक्टर रह जाएगा। तो बी वैक्टर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए क्रॉस
ये वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 4a क्रॉस, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और रहता है फिर इस पर नोट कीजिए प्लीज। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एक वायर को इस तरह से मोल्ड किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर करंट आई जो है वो थ्रू आउट द वायर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर की जो इनर रेडियस है वो स्मॉल ए है और आउटर रेडियस जो है वो क्या है, स्मॉल बी है। आपको इस पूरे कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे बेटा? सॉल्यूशन दोबारा से आप क्या करें, इसको पार्ट में डिवाइड करें, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, मैंने इसको क्या कर लिया, पार्ट में डिवाइड कर लिया। नाउ अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, इस ए बी सेक्शन की वजह से थ्री पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन क्या होगी बेटा, डायरेक्ट लिख दू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट करंट करंट कंडक्टर है और इसके पैरेलल में क्या है, पॉइंट पी है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई, डीई सेगमेंट की वजह से ये अगेन क्या होगी, जीरो। स्टेट करंट करंट कंडक्टर के पॉइंट क्या है, पैरेलल, तो जहां पर भी आपको पॉइंट पी जो है स्टेट करंट करंट कंडक्टर के पैरेलल दिख जाए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम जीरो पुट कर देंगे। तो इन दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। अब बात आती है इन सर्कुलर लूप्स की, तो पहले जा रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी, बी सी डी मैग्नेटिक फील्ड बी सी डी सेगमेंट की वजह से फाइंड करते हैं। तो देखिए बी सी डी सेगमेंट यहां पर दोबारा से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है दोबारा से पाई, पाई एंगल बना रहा है, तो बी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई बी। ये जो रेडियस है यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, बी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर, ए की जगह हम क्या लेंगे, बी लेंगे यहाँ पर, ये बी ले लिया इंटू पाई कितना आ गया, पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो बी थ्री की वैल्यू जो है यहाँ पर ये हो गई म्यू नॉट आई अपॉन फोर बी, क्या हो गई म्यू नॉट आई अपॉन फोर बी। अच्छा डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है यहाँ पर वो होगी क्रॉस, क्रॉस ही होगी, बिल्कुल ठीक क्रॉस होगी, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली फोर्स पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ई एफ, ई एफ ए ये छोटा वाला लूप दे देते हैं, ई एफ ये भी देखिए यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये छोटा वाला लूप भी पाई एंगल ही बना रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी फोर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल आउट, बी फोर क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए, किसके साथ, डॉट के साथ, किसके साथ, डॉट आएगा यहां पर, क्रॉस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देख लीजिए आप, इस वाले वायर के सेक्शन में करंट इस तरफ जा रहा है तो पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, कहां होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड सारे फ्रैक्शन की वजह से फील्ड निकाल ली, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहां पर, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर प्लस b4 वेक्टर, सारी मैग्नेटिक फील्ड का सम कर दीजिए। अच्छा b1 और b2 तो जीरो हो गए, आपके पास क्या रह जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस सॉरी b3 वेक्टर प्लस b4 वेक्टर, समझ में आ गई मेरी बात। तो बेटा B3 और B4 को एंगल के साथ में क्या करना है, ऐड करना। तो मुझे बताइए कि B3 और B4 जो मैग्नेटिक फील्ड हैं इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, B3 जो है वो तो कहाँ है, अंदर की तरफ, B4 जो है वो कहाँ है, बाहर की तरफ, B3 अंदर की तरफ, B4 बाहर की तरफ, तो क्या इनके बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है क्या, बिल्कुल ठीक, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं एक दूसरे के तो उनका जो रिजल्टेंट है बच्चों, उनका जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, लिख दूं क्या मैं यहाँ पर, इसको मैं नोट कर रहा हूँ बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो रिजल्टेंट जो है बी वेक्टर जो है आपका वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी थ्री माइनस बी फोर होल वेक्टर, बी थ्री माइनस बी फोर होल वेक्टर। अब बी थ्री और बी फोर सॉरी हाँ
बी3 माइनस बी4, और बी3 माइनस बी4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4a माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4b इनटू नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहाँ होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी डॉट बाहर की राशि में। क्यों, देखो आप इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को इस वाली मैग्नेटिक फील्ड से माइनस कर रहे हैं, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से बड़ी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जिसकी रेडियस छोटी हो, क्योंकि रेडियस अपॉन में आई ना मेरे बच्चों, रेडियस तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसका न्यूमरेटर या होल वैल्यू ज्यादा। तो बी और ए को अगर कंपेयर करें तो यहां पर क्या है, बी और ए को कंपेयर करें तो बी इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर बी3 इज लेस देन बी4। हो सकता है क्या, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो, रेशियो ले लूं तो यही तो आएगा, आप बी3 और बी4 को डिवाइड करें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा, समझ लो ना, इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी ये छोटी वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा वाले मैग्नीट्यूड से कम वाला मैग्नीट्यूड आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा अमाउंट वो ज्यादा वैसे बचेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये भी आपकी कहां आएगी बच्चों, बाहर की तरफ आएगी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बाय सावर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू।